साथियों नमस्कार, मैं भानु प्रकाश रघुवंशी अशोकनगर से जन सरोकार मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी कुछ नई और कुछ अपने संग्रहों में से पुरानी कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपनी प्रथम काव्य संग्रह से जिसका नाम है जीवन राग, उससे एक कविता पढ़ना चाहूंगा। ये मेरा प्रथम काव्य संग्रह है। मैं इसके चूंकि नाम जीवन राग है और मेरी प्रतिनिधि कविता भी इस संग्रह की जो है उसी को मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच। कविता का शीर्षक है जीवन राग। खिड़की खुलते ही ताजा हवा ने किया प्रवेश, खिड़की खुलते ही ताजा हवा ने किया प्रवेश, जाला झूलने लगा हवा के स्पर्श पाकर, झूलने लगे जाले में फंसे कीट पतंगे, कुछ जो मरणासन स्थिति में थे छटपटाने लगे, आजमाने लगे बचाव के पैतरे, जिसे रचने में बहुत समय लगा मकड़ी को, हवा के एक झोंके से टूट गया वह चक्रव्यूह। खिड़की खुलते ही उजाले ने किया प्रवेश, शिकारी छुप गया शिकार और सावधान हो गया अंधेरा छटते ही। घड़ी की सुइयां जो रुकी थी जाने कब से एक ही जगह पर, खिड़की खुलते ही टूटा मौन, घड़ी ने शुरू किया समय से संवाद। बंद कमरों में ही बुने जाते हैं जाले, अंधेरा बहुत भाता है शिकारी को, घड़ी का रुकना समय का रुक जाना नहीं होता, जैसे खिड़की का खुलना मात्र खिड़की का खुलना नहीं होता, बंद कमरे में लौटना होता है जीवन राग। ये मेरी पहली कविता पहले काव्य संग्रह से। उसके बाद एक और मेरा संग्रह चयनित कविताओं का आया था न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से। ये मैं चाहता हूं कि ये कविता इस संग्रह से पढ़ूं, उसके बाद कुछ नई कविताओं पर आता हूं। पहली कविता का शीर्षक है अनेकता का भाव। दोनों का रंग रूप भिन्न पर दोनों ही सुंदर, दोनों का रंग रूप भिन्न पर दोनों ही सुंदर, संवाद की भाषा भी बिल्कुल अलग, अलग अलग ही निकलती हैं चुग्गे की तलाश में, काली चिड़िया सफेद चिड़िया को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए एक पेड़ पर नहीं बनाती अपना घोंसला, सारी भिन्नताओं के बीच भी एक समानता देखी जाती है कि जब धरती पर मारी जाती है एक भी चिड़िया, शोक में बिलाप में ये सब एक साथ होती हैं शिकारियों के खिलाफ विद्रोह में, यही एकजुटता भयभीत करती है शिकारी को और वह छुपकर ही करता है शिकार, दुख धीरे धीरे ही सही खत्म करता है अनेकता का भाव। कविता का शीर्षक भी यही था अनेकता का भाव। तो मित्रों ये दो कविताएं मेरी दोनों ही काव्य संग्रह से आपको सुनाई मैंने। अब मैं कुछ नई कविताएं जो हाल ही में लिखी हैं मैंने, उनमें से कुछ कविताएं जितनी पढ़ सकूंगा आप लोगों के बीच पढ़ता हूं। क्योंकि मैं किसान हूं और हाल ही में एक कविता लिखी जिसका ध्रुव भट्ट जी ने अनुवाद भी किया है गुजराती में, पहले वही पढ़ता हूं। किसान शीर्षक है इस कविता का। मैं सिर्फ एक शब्द हूं जिसके दम पर बनती गिरती है सरकारें, मैं सिर्फ एक शब्द हूं जिसके दम पर बनती गिरती हैं सरकारें, मैं एक योजना हूं जिसे लागू करते ही सवर जाता है कितने ही राजनेता प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और चपरासियों का भविष्य। ठूठ होता जा रहा एक पेड़ हूं मैं, ठूठ होता जा रहा एक पेड़ हूं मैं, जिसकी जड़ों में से चूस लेता है कोई और, जिसकी जड़ों से चूस लेता है कोई और मेरे हिस्से की नमी
ओढ़ लेता है मेरे हिस्से का उजास। मैं एक बाजार हूं जहां नई नई कंपनियां, नए नए आविष्कार आते हैं लोन पॉलिसी के कांधे पर चढ़कर। मैं एक बाजार हूं जहां नई नई कंपनियां, नए नए आविष्कार आते हैं लोन कंपनी के कांधे पर चढ़कर। विधवा के ब्लाउज का ऊपरी बटन हूँ, विधवा के ब्लाउज का ऊपरी बटन हूँ जिसके जल्द टूटने की आस लगाए बैठा रहता है साहूकार। तिरंगे का सबसे नीचे मद्र चक्र की तीलियों को का भार सहता। तिरंगे में सबसे नीचे मध्य चक्र की कई तीलियों का भार सहता। हरे रंग की पट्टी हूं मैं इस भूमि पर आबादी का 70% भार हूं। अन्नदाता नहीं नहीं अन्नदाता नहीं नहीं मैं किसान हूं। अन्नदाता नहीं मैं किसान हूं। ये मेरी हाल ही में लिखी हुई एक कविता। उसके बाद कुछ और कविताएं, जैसे ये प्रेम कविता है, लड़की और प्रेम। वह जामुन जितनी नहीं पर हाँ जामुन जैसी काली थी। वह जामुन जितनी नहीं पर हाँ जामुन जैसी काली थी। आंखें जैसे काले घड़े के मुंह से झांकता हो पानी। सुंदर कुछ नहीं था मन के अलावा, सुंदर कुछ नहीं था मन के अलावा। हुड़दंगियों के लगाए रंगों से केवल कपड़े ही होते रंगीन, बेरंग रह जाता था तन मन। कमर तक लटकती दो चोटियां अक्सर उसकी छाती पर झूलती रहती। बात करते शर्माती तो चोटियों को सिरे से पकड़ गर्दन झुका लेती। कमर तक लटकती दो चोटियां अक्सर उसकी छाती पर झूलती रहती। बात करते शर्माती तो चोटियों को सिरे से पकड़ गर्दन झुका लेती। उसका ताप, उम्र का ताप उसकी हड्डियों में छुपकर बैठा था कहीं। उम्र का ताप उसकी हड्डियों में छुपकर बैठा था कहीं। मैं पंजे के बल खड़े होकर शायद उसके कांधे तक पहुंचता। उसका कद मुझसे ऊंचा था जैसे खिड़की से दीवाल का। वह तितलियों से, फूलों से, झरने और पहाड़ों से प्रेम करते हुए। उसने तितलियों से, फूलों से, झरने और पहाड़ों से प्रेम करते हुए ठुकराया सभी खूबसूरत लड़कों का प्रेम प्रस्ताव। यह कहते हुए कि कहने से थोड़ी होता है प्रेम, यह कहते हुए कि कहने से थोड़ी होता है प्रेम, मैं उसके कद को और ऊंचा होते हुए देख रहा हूं। प्रेम करना उसी से सीख रहा हूं आजकल। जी मित्रों, ये मेरी एक प्रेम कविता। उसके बाद एक और बिल्कुल हाल ही में लिखी हुई कविता है, कल्पना के घोड़े का असवार। कल्पना के घोड़े पर सवार था वह, जिधर चाहा मोड़ दिया एड़ मारी। घोड़ा दौड़ने लगता मनचाही दिशा में। कल्पना के घोड़े पर सवार था वह, जिधर चाहा मोड़ दिया एड़ मारी। घोड़ा दौड़ने लगता मनचाही दिशा में। वह कभी कभी अनजान रास्तों पर भी चला जाता, जाने में लगता भी क्या था। वह कभी कभी अनजान रास्तों पर भी चला जाता, जाने में लगता भी क्या था। पलक झपकते ही होता था वह अपनी इच्छित मंजिल पर। उसके पास कोई टाइम मशीन थी शायद, उसके पास कोई टाइम मशीन थी शायद। किसी भी युग में जाता अपने घोड़े के साथ और लौट भी आता इसी युग में, पर वह वर्तमान में नहीं लौट सका कभी। उसके पास कोई टाइम मशीन थी शायद, किसी भी युग में जाता अपने घोड़े के साथ और लौट भी आता इसी युग में, पर वह वर्तमान में नहीं लौट सका कभी। कल्पना का घोड़ा मर गया एक दिन, कल्पना का घोड़ा मर गया एक दिन।
एक दिन यथार्थ की कठोर जमीन पर अपने घोड़े के साथ मृत पाया गया वह कल्पना के घोड़े का सवार। चिट्ठियां कविता का शीर्षक है। चिट्ठियां, ममियारे से आई सारी चिट्ठियां मुनिया ही पढ़कर सुनाती थी माँ को। उसके टूटे फूटे शब्दों के सेतु से जुड़ते थे दो घर, दो परिवार और दो गांव, जैसे नदी के दोनों किनारे। जब मुनिया ब्याह कर ससुराल गई तो चिट्ठियां आने का दौर चल पड़ा। माँ को आने वाली चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते मुनिया कुशलतापूर्वक चिट्ठियां लिखना भी सीख गई थी। जब वह चिट्ठी की अंतिम पंक्ति लिखती, थोड़ा लिखे को बहुत समझना या और क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। चिट्ठी पढ़कर पिता के कुछ दिन उदासी में गुजरते, माँ की आंखें भर आती। वह अनपढ़ थी पर इन पंक्तियों का मतलब खूब समझती थी। प्रेम पत्र लिखना भी सबके बूते की बात नहीं थी उन दिनों की। सुंदर लिखावट और शब्दों की गहराई में डूबकर कोई गवा बैठे रातों की नींद, दिल का चैन, दिन का करार। तब इस कला में निपुण मित्रों के तब इस कला में निपुण मित्रों के निहोरे करना पढ़ते थे। कुछ लड़के लड़कियां तो अंतिम पैरा की तुकबंदियों से बाबाई लूटने में माहिर हुआ करते थे। सुख दुख की खबरें, शादी ब्याह की सूचना, अपना हालचाल, शोक संदेश, फिल्म और मिलन और जुदाई की खट्टी मीठी यादें, एक अंतरदेशीय या पोस्ट कार्ड पर सब कुछ लिखा जाता था। कहते हैं लिखने वाले का चेहरा दिखता था चिट्ठियों में, जैसा कि अब मुमकिन नहीं। उन दिनों समीना को पाकिस्तान से चिट्ठी आई थी अपने फुफेरे भाई अहमद की। हफ्ते भर भटकने के बाद उसे उर्दू का जानकार मिला चिट्ठी पढ़वाने के लिए। जब भी बंटवारे की बात चले, परदेशी रिश्तेदारों को याद करके शमीना रोने लगती है, जैसे माँ रोती थी मुनिया को याद करके। आते जाते हुए डाकघर की खिड़की पर झूलते उपेक्षित लेटर बॉक्स को से धूल झाड़ती शमीना को पाकिस्तान से आने वाली चिट्ठी का आज भी इंतजार है। ये कविता जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने उसे कई बार पढ़ा भी है, आपने शायद सुना हो, या नहीं सुना तो आज मैं आपको फिर सुना रहा हूं। स्त्री और खोज। रसोई घर में हो, बिस्तर पर हो, या जरूरी सामान उठाए बाजार में, वह हर वक्त कुछ सोचती रहती है। रसोई घर में हो, बिस्तर पर हो, या जरूरी सामान उठाए बाजार में, वह हर वक्त कुछ सोचती रहती है और स्त्री की यह खोज जन्म से ही शुरू हो जाती है। वह जिस कमरे में जन्म लेती है, उस कमरे में अपने लिए एक कोना, उस घर में अपना घर, उस शहर में अपना शहर, उस देश में अपने लिए एक देश खोजती है। वह पुरुष में खोजती है अच्छा प्रेमी, अच्छा पति या अच्छा बेटा। वह बुराई में अच्छा ही खोजती है, मक्खन से घी निकालने की कला में इसी स्त्री इसी तरह हो जाती है निपुण। उम्र पूरी हो जाती है पर उसकी खोज नहीं। आकाश में किसी चमकीले तारे को उंगली से दिखाते हुए अपने बच्चों से कहते हैं, वह है तुम्हारी दादी अम्मा। दादी अम्माओं से भर गया है पूरा आकाश। वह वहीं से बैठकर खोज रही हैं इस दुनिया में एक देश,
एक शेर, एक कमरा और उस कमरे में अपने लिए एक कोना। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।